बॉलीवुड में जहाँ हर आए दिन नई फिल्में अनाउंस होती हैं और हर फ्राइडे को कई फिल्में रिलीज होती हैं, वहीं एक और फिल्म का जो फर्स्ट लुक है हमारे सामने आया है। जी हाँ, वो फिल्म है राम प्रसाद की तेरहवीं। जैसे कि इस फिल्म का नाम भी अटपटा सा है, ये फिल्म भी हमें कॉमेडी जॉनर की लगती है और ये फिल्म भी हमें हंसाने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें, यानी राम प्रसाद के कैरेक्टर की सबसे पहले बात करें तो नसीरुद्दीन शाह निभाने वाले हैं, जैसा कि वो पोस्टर देखने से ही पता चलता है, क्योंकि राम प्रसाद की तेरहवीं इस फिल्म का नाम है और नसीरुद्दीन शाह की फोटो पर ही हार चढ़ाया गया है, यानी राम प्रसाद का कैरेक्टर वही निभाने वाले हैं। और अगर हम इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो नसीरुद्दीन शाह के अलावा हमें कोंकणा सेन, सुप्रिया पाठक और मनोज पावा नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सीमा पावा ने और प्रोड्यूस कर रहे हैं मनीष मुंद्रा। वेल, बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की तो 22 नवंबर से ये फिल्म सिनेमा घरों में लग जाएगी, यानी 22 नवंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। जल्दी ये फिल्म सिनेमा में आने वाली है। और अगर हम बात करें इस फिल्म की खास बात की तो ये फिल्म कॉमेडी जॉनर की फिल्म होने वाली है और एक ऐसे कंसेप्ट पर बनी फिल्म होने वाली है जो शायद आज तक बॉलीवुड में किसी ने नहीं अपनाया। यानी इस फिल्म के जैसे हमें नाम से ही पता चलता है कि राम प्रसाद की तेरहवीं पर बेस्ड होने वाली है ये फिल्म। तो ये तो अब रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस को ये फिल्म कितनी पसंद आती है।